जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सीआरपीएफ की 18 और कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और इसके तहत इन इलाकों में सीआरपीएफ के 1800 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने इस तैनाती का फैसला लिया और पिछले दिनों हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा दी गई। सीआरपीएफ की 18 और कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। रविवार के आतंकी हमले के बाद यहां सुरक्षा की जो व्यवस्था काफी मजबूत की जा रही है, न सिर्फ एक बड़ा सुरक्षा अभियान जारी है ताकि जो आतंकी हमले में मुलव्वस थे उनको मार गिराया जाए, बल्कि सुरक्षा की बड़ी एक तादाद यहां भेजी जा रही है। 18 कंपनीज यानी 1800 सीआरपीएफ के लोग भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा विलेज डिफेंस कमेटीज यानी VDCs उनको रिवैम्प किया जा रहा है, उनको दोबारा बहाल किया जा रहा है, उनके हथियार देखे जा रहे हैं। आज यहाँ इस पुलिस कैंप में, इस पंचायत में आप देखें एक रजिस्ट्रेशन हो रही है इनके नामों की, इनके फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ, किन किन के पास हथियार दिया है पुलिस ने, उसके अलावा क्या हथियार काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनके जो हथियार हैं उनको भी देखा जा रहा है। तब आपका हथियार देखा गया, ये 303 राइफल है, चेक किया क्या क्या, तो कितने आपके पास सारा एमुनेशन भी है आपके पास? क्या उम्र है आपकी जी? 600 साल। तो आप तो बुजुर्ग हैं, तो इसमें भी आप बंदूक चलाओगे? तो मतलब ये सुरक्षा फोर्स की जिम्मेदारी होती है, तो आप लोग क्यों चलाए? 66 साल बुजुर्ग क्यों चलाएगा बंदूक? क्यों चलाएगा? जंगल के नजदीक रहते हैं। अच्छा, जंगल के नजदीक रहते हैं, इसलिए आपके, अच्छा अच्छा, तो आप बताइए आपके पास 2 बंदूकें हैं? कजन की है, एक कजन की है। एक कजन की है? हाँ। उसने भी भेजी आप ही के हाथ में? नहीं, वो आया हुआ साथ में, कोई डॉक्यूमेंट लेने गया। अच्छा अच्छा, एक कजन की है आपकी है? जी जी। तो दोनों कजनों के पास आपके बंदूक है, क्यों रखे हैं? सर अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए। हाँ, तो आपका नाम? अमर सिंह। अमर सिंह किस गांव में रहते हैं? मैं सरानू मतौर में रहता हूं। अच्छा जी, चलो बहुत शुक्रिया। तो ये है जैसे इन 2 कजन, 2 भाइयों के, चचे भाइयों के 2 बंदूक एक के पास है, तो उनका कहना है कि सभी लोग अपनी हिफाजत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सुरक्षा के काफ़ी उपाय किए गए हैं पिछले रविवार से, यहाँ बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्स के साथ साथ जो इंटेलिजेंस का ग्रिड है उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हार्ड इंटेलिजेंस लग रहा है सुरक्षा फोर्सेस के पास नहीं है, इसीलिए तलाशी के बावजूद भी किसी को अंदाज़ा नहीं कि जो आतंकी थे, जो हमलावर थे, वो कहाँ गए, कहाँ छुप गए। वो सबसे बड़ी चुनौती है कि 5 दिन बाद भी वो कहीं यहीं छुपे हैं और किसी को मालूम नहीं कि जो ऑपरेशन है उससे कुछ अभी हाथ में नहीं आया है। लेकिन यहाँ जब लोगों को हथियार देने की, आम लोगों को VDC बनाने की इसकी जो प्रक्रिया है उसको तेज़ कर दिया गया है, जिनके जो पहले VDCs थे उनको उनके हथियार चेक किए जाते हैं, एमुनेशन दिया जाता है, और जिनके पास नहीं है उनको और हथियार देने की अब प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।